मेरे प्यारे देशवासियों, किरण सिदर ने माय गॉव पर लिखा है कि मैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके भविष्य से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डालूं। वो मुझसे ये भी चाहते हैं कि मैं विद्यार्थियों से अंतरिक्ष कार्यक्रम में रुचि लेने और कुछ अलग हटकर आसमान से भी आगे जाकर सोचने का आग्रह करूं। किरण जी, मैं आपके इस विचार और विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए दिए गए संदेश की सराहना करता हूं। कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद में था, जहां मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला। डॉक्टर विक्रम साराभाई का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे स्पेस प्रोग्राम में देश के असंख्य युवा वैज्ञानिकों का योगदान है। हम इस बात का गर्व करते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स और साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। इसी 24 जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लॉन्च किया गया है। ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउंडिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं। देश आजाद होने से लेकर 2014 तक जितने स्पेस मिशन हुए हैं, लगभग उतने ही स्पेस मिशन की शुरुआत बीते 4 वर्षों में हुई है। हमने एक ही अंतरिक्षयान से एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हम जल्द ही चंद्रयान 2 अभियान के माध्यम से चांद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग जान माल की रक्षा में भी बखूबी कर रहा है। चाहे साइक्लोन हो या फिर रेल और सड़क सुरक्षा, इन सब में स्पेस टेक्नोलॉजी से काफी सहायता मिल रही है। हमारे मछुआरे भाइयों के बीच नाविक डिवाइस बांटे गए हैं, जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक तरक्की में भी सहायक है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं की डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी को और बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए घर, इस योजना में 23 राज्यों के करीब 40 लाख घरों को जियो टैग किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत करीब 3.5 करोड़ संपत्तियों को भी जियो टैग किया गया। हमारे सैटेलाइट्स आज देश की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। दुनिया के कई देशों के साथ हमारे बेहतर संबंध में इसका बड़ा योगदान है। साउथ एशिया सैटेलाइट तो एक अनूठी पहल रही है, जिसने हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों को भी विकास का उपहार दिया है। अपनी बेहद कॉम्पिटिटिव लॉन्च सर्विस के माध्यम से भारत आज न केवल विकासशील देशों के बल्कि विकसित देशों के सैटेलाइट को भी लॉन्च करता है। बच्चों के लिए आसमान और सितारे हमेशा बड़े आकर्षक होते हैं। हमारा स्पेस प्रोग्राम बच्चों को बड़ा सोचने और उन सीमाओं से आगे बढ़ने का अवसर देता है, जो अब तक असंभव माने जाते थे। यह हमारे बच्चों के लिए सितारों को निहारते रहने के साथ साथ नए नए सितारों की खोज करने की ओर प्रेरित करने का विजन है।